रमज़ान में बीमार मुर्गियों के व्यापारी पंजाब फूड अथॉरिटी के शिकंजे में हैं। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हिदायत पर मीट सेफ्टी टीमों ने लाहौर की टोडल्टन मार्केट और सब्जाजार मार्केट की चेकिंग की है। फालिज फ्लो और पेट की बीमारी में मुबतला कम वजन मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ी गई है। 880 किलो बीमार मुर्गियाँ और बासी बदबूदार गोश्त तलब किया गया है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ शेख रशीद से। जी शेख रशीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि आज हालिया सुबह सुबह सवेरे ही डीजी जो है आसम जावेद की क्यादत में टोडल्टन मार्केट और सब्जाजार में जो है वो रेड की गई है, जहां पर सैकड़ों टन जो है वो बीमार मुर्गियों का गोश्त और ऐसी मुर्गियां जिनका वजन जो है वो 1 किलोग्राम से कम था, वो गोश्त तकरीबन कोई 880 किलोग्राम जो है वो उन्होंने कब्जे में लिया और फिर भी किया, तलब भी किया। इसके अलावा बासी और बदबूदार गोश्त तलब किया गया। 9 शॉप को 90,000 के जुर्माने आयद किए गए। फालज फ्लू और पेट की बीमारियों में मुबतला कम वजन मुर्गियों से भी बड़ी गाड़ियां पकड़ी गई। बीमार मुर्गियों के गोश्त की तैयारी के लिए टोडल्टन मार्केट लाई गई थी। ये एक वतीरा बन चुका है जी, टोडल्टन मार्केट और सब्जाजार, क्योंकि दोनों बड़ी मार्केट है लाहौर में, जहाँ से रोजाना सैकड़ों हजारों सार्फीन जो है वो मुर्गी के गोश्त की खरीदारी करते हैं और यहाँ पर जो है वो रोजाना की बुनियाद पर जो है ये, लेकिन देखना भी ये होगा कि बार बार रेड और छापों के बावजूद जो है वो वहां पर।